शिवसेना उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे जी ने आज बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही आह्वान किया है कि सरकार से कहें कि वो इस्तीफा दें। क्या कहेंगे आप इस पे? पहली बात है, नैतिकता की जब बात आती है और हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व और नैतिकता साथ में जाती है। यही उन्होंने कहा कि अगर हम हिंदुत्व को मानते हैं तो नैतिकता को भी मानते हैं। अगर नैतिकता को मानते हो तो जिस ढंग से कल हमारी यहाँ की सरकार चल रही है वो किस आधार पर चल रही है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस ढंग से, जिस तरीके से महामहिम राज्यपाल के बारे में जो स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं सारे, वो बहुत ही गंभीर है। ये संस्था क्या कर रही है? ये किसी पार्टी का काम कर रही है क्या? तो जो सारी चीजें उन्होंने कहा, गैर कानूनन काम किसने किया, तो महा राज्यपाल ने किया। तो हम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और वही तो वो चाह रहे हैं कि इसलिए वो खुद भी इस पर ध्यान दे दे कि हम कितना भ्रष्ट कारोबार कर रहे हैं और भ्रष्ट कारोबार को आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री चाहते कि देश में संविधान बचना चाहिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए, जनतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, तो आइए सरकार को बर्खास्त करें। चुनाव गवर्नर के ऊपर भी कुछ दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि गवर्नर के ऊपर केस भी करना चाहिए जिससे आगे के इस तरीके की एक्शंस ना हो, और इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी कहा है कि ये इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। तो आगे आप लोग इसे कैसे देखते हैं और क्या करने वाले हैं? पहली बात है ऐसी कि अगर इंस्टीट्यूशन है तो सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पवित्रता उसकी रखनी चाहिए। अगर वो पवित्र ही भंग हो रहा है, अगर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता राज्यपाल करके बैठेंगे तो वो संविधान की रक्षा की सोचते नहीं है, वो उनकी पार्टी की बात सोचते रहते। वो तो उन्होंने मूलतः कहा, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ये संस्था इस तरह से भ्रष्ट कारोबार करे तो संस्था ही करो। और दूसरी बात कही कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर इस संस्था रखने में चाहते हो तो अगर वही महामहिम राज्यपाल इस तरह से सोचता होगा कि इसका गलत इस्तेमाल हो, वही वो नबम राबिया केस में भी वही हुआ अरुणाचल प्रदेश में, वहां भी राज्यपाल जी को बहुत ही स्ट्रिक्चर उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने लेते। तो इस संस्था को अगर भ्रष्ट नहीं करना है, कलंक नहीं लगना चाहते हो तो फिर एक ध्यान में दी जाए। ये ऐसे कोई जो करता है वो राज्यपाल कानून संविधान के तहत ही आता ना, तो गैर कानूनन करे छूट जाए तो कोई भी आएगा 2-3 महीने में सत्यानाश करेगा किसी सरकार को, निकल जाएगा। तो जो गैर कानून काम किया उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? वो उन्होंने मांग की ताकि संविधान की रक्षा हो, ताकि जनतंत्र की रक्षा हो, और कानून के तहत राज्यपाल क्यों न हो, वो भी कानून के तहत आते, ये बताने का। सर अब तो द बॉल इज इन द स्पीकर्स कोर्ट जैसे कहा जाता है, और लगता है आगे काफी कन्फ्रंटेशन होने वाला है, क्योंकि अनिल परब ने भी कहा हम तो चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर ये पूरा निपटारा हो जाना चाहिए। स्पीकर साहब खुद लॉयर हैं, तमाम चीजों की उनको जानकारी है। आप आगे की राह कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ कहा अगर रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर फैसला नहीं होता है तो हम तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सर जरूर, क्यों नहीं खटखटाएंगे? व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल टाइम? वो जो एक कई श्याम मेघचंद्र वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर जुलाई 22 की केस है, देखिए आप उसमें उन्होंने रीजनेबल टाइम मतलब क्या, तो ये दिए हुए मर्यादित कार्यकाल में उसका निर्णय लेना चाहिए, वो मर्यादित कार्यकाल भी उसमें उन्होंने नमूद किया हुआ है। तो अगर वो 15 दिन जब हम कहते कि जानते हैं सारी चीजें, अभी क्या नई बात कहनी है उनको, फिर भी उनको अगर प्रोसीजर करनी तो तुरंत करें और तुरंत उसका निर्णय दे, नहीं तो हमको दरवाजे खुले फिर दोबारा। आखिरी सवाल थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगता है, कल जजमेंट आने के बाद सभी गुटों ने मानो पटाखे जलाए हैं, सबने कहा कि हमारे फेवर में आया है। मोरालिटी की बात हो रही थी, मोरालिटी वर्सेस मोरालिटी, लगता है आप मोरालिटी की बात करते हैं, सरकार कहती है अगर आप पे मोरालिटी थी तो आपने कांग्रेस एनसीपी के साथ कैसे हाथ लिए? तो क्या कांग्रेस एनसीपी हिंदुस्तान के बाहर की पार्टी है क्या? तो आपने तो मुफ्तियों में सैयद के साथ बैठे थे, वो कौन सी नैतिकता? आदरणीय उद्धव साहब ने अभी भी किया ना, नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की सरकार चल रही थी, उसको तोड़कर नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाई थी, वो कौन सी नैतिकता थी? और जो वचन पूरा नहीं किया वो कौन सी नैतिकता थी? वचन की बात थी ना, दोनों में जो वचनबद्ध हुए थे तो प्राण जाए पर वचन न जाए, वो नैतिकता में बैठा क्या? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।